अब कुछ ऐसे दिखने वाली धारा भी अगले कुछ सालों में ऐसी दिखने वाली है और इसके पीछे गौतम अदानी का हाथ होगा। लेकिन कैसे, आइए जानते हैं। पिछले 15-20 सालों से महाराष्ट्र गवर्नमेंट धारावी को डेवलप करना चाहती है, लेकिन बिजनेस और पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से इसकी शुरुआत कभी नहीं हुई। लेकिन इस साल गवर्नमेंट ने इसके लिए अप्रूवल दिया है और अदानी ग्रुप ने 5,000 करोड़ की बिडिंग करके इस प्रोजेक्ट को जीत लिया है। धारावी का एरिया 2.1 स्क्वायर किलोमीटर का है, जहां पर आज भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। सो अंडर दिस प्रोजेक्ट अदानी धारावी में ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स के साथ साथ प्रॉपर वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और रोडवेज जैसी एमिनिटीज भी लाएगा, जिससे हो सकता है कि मूवीज में दिखाई हुई धारावी की नेगेटिव इमेज पूरी तरह से बदल जाए। बट एज वी नो, धारावी में प्लास्टिक रिसाइकलिंग, क्लोथिंग, लेदर एक्सेसरीज जैसे बिजनेसेस की 15,000 छोटी छोटी फैक्ट्रीज और 5,000 ठेले वाले, जो हर साल 8,000 करोड़ तक का रेवेन्यू जनरेट करते हैं। लेकिन इस रीडेवलपमेंट के वक्त इनके फैक्ट्रीज और इनके बिजनेसेस का क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। सब्सक्राइब करो ऐसी और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए।